Hello friends, welcome to my channel. My name is Koriyarshal. So, today we are going to learn means I am going to explain the 100 races English chapter number 5. So, let's move to the chapter. I made this chapter into a very easy notes. The complex lesson I converted into easy notes. It is very nice and it is easy to understand in our mind. And it is a very beautiful lesson, but it is a lengthy lesson. So let's start. The hundred dresses. It is written by the writer Elsar Esther. Now let's move. First, before going to teach, means explain the lesson. I am going to explain the basics of this chapter hundred decision. Means the heroine means the means the girl Wanda Petronski, who was a Polish girl, live in Poland, but due to his transfer of father, she get transferred to USA. So in USA, the Polish regions are discriminated. Because they are not like US people, means they are not um, white color, they are such a brownish color, so they were discriminated. And Wanda Petronsky also discriminated, means they, they his, her friends, make her fun. So, let's move to the chapter The scheme of classroom. It was Monday. Wanda Petronsky, here is a Wanda Petronsky.

तो आज जो मंजा है मतलब मंडे को वो एबसेंट थी so, किसी को भी वो नोटिस नहीं आया जब तक कि पेगी और मैडलिन को भी वो नोटिस नहीं आया वन सेट द सीट नेक्स्ट टू लास्ट सीट इन रूम थर्टीन वेर द रफ बॉय हु नॉट स्कोर गुड मार्क्स एंड ऑलवेज कफिंग देयर फिट मीन्स जो वंदा है वो जो बॉयज है रफ बॉयज मतलब शरारती बॉयज जिनको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें मार्क्स अच्छे नहीं आते थे उनके नेक्स्ट मतलब उनके पीछे वो बैठती थी डेस्क पर लास्ट सीट के डेस्क पर और उसका रूम नंबर मतलब क्लासरूम नंबर क्या था थर्टीन रूम थर्टीन और वो जो रफ बॉयज है वो हमेशा अपनी फीट को स्कल्फ करते थे यहाँ पे स्कल्फिंग का मतलब है पेड़ को एक पेड़ से दूसरे पेड़ को ऐसे जोक टाइप करना एंड नॉइजी लाफ्टर मतलब वो बहुत हँसते थे नॉइज बनाते थे और उस पर उस पर भी फन बनाते थे और वो नॉइज़ करते थे और उनको गुड मार्क्स नाइस स्कोर करते थे वो दोनों लड़के और वो जो वंदा है वो उनके पीछे उनके मतलब उनके सामने बैठती थी डेस्क पर सो so, हमें यह कहता है कि वंदा क्या वंदा वहा क्यों बैठती थी वो फर्स्ट बेंच के साथ लड़कियों के साथ क्यों नहीं बैठती थी चलो लेट्स मूव टू अहेड द रूफ्स वेरी लेटर शी सैड देयर बिकॉज शी वॉज वेरी क्वाइट एंड लॉन्ली शी ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड बाय अदर स्टूडेंट्स मीन्स उसे वहाँ पे बैठना पसंद नहीं था लेकिन क्या करे उसका सब फोन उड़ाते थे लड़किया और वो बहुत क्वाइट थी क्वाइट नेचर क्वाइट नेचर मतलब उसे ज़्यादा नॉइज़ करना पसंद नहीं था नॉइज उसे पसंद नहीं था उसे क्वाइट पसंद था क्वाइट वो बहुत क्वाइट और सिंसियर लड़की थी द रूफ वेर वेरी मडी मतलब जहाँ पे वो वंदा बैठती है उसके जो फर्श है वो बहुत मडी होती थी शी सैड देयर बिकॉज शी वॉज वेरी क्वाइट अभी हमने देखा कि वो बहुत क्वाइट थी सो so इसलिए वो लास्ट बेंच पर बैठती थी एंड लोनली शी ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अदर स्टूडेंट्स मीन्स वो बहुत लोनली है इसलिए वो दूसरों को कुछ नहीं बोलती और उसका नाम बहुत अजीब अजीब है इसलिए उसे सब फन बनाते थे नो बडी वॉच और लाफ लाउड मतलब किसी ने भी उसे जोर जोर से हंसते नहीं देखा था समाइम्स शी ट्विस्टेड माउथ एंड स्माइल क्वाइट ट्विस्टेड मतलब ऐसे एक छोटी सी स्माइल देना एक छोटी सी स्माइल ऐसे चेहरा है तो छोटी सी स्माइल देता इसे कहते हैं ट्विस्टेड माउथ एंड स्माइल क्वाइट बिकॉज शी डिडोट है उसे फ्रेंड नहीं थे इसलिए उसका नेचर हंसरा नहीं था वो बहुत ट्विस्ट करती थी मतलब जब स्माइल करती थी तो माउथ में सब ट्विस्टिंग हो जाता था इसे कहते हैं स्माइल क्वाइट नो बडी नोस एग्जैक्टली वाई शी सीड द लास्ट बेंच किसी को भी पता नहीं था कि लास्ट बेंच वो पर क्यों बैठती है बट इट अनलेस शी केम फ्रॉम बॉगिन्स हाइट एंड हर फिट केक विथ मर्ड तो किसी को भी पता नहीं था कि वो लास्ट बेंच पे क्यों बैठते हैं लेकिन समटाइम्स जो उसके फ्रेंड्स थे वो सोचते थे कि वो बॉगिन साइट मतलब एक हिल्स हिल्स जैसा प्लेस वहाँ पे रहती है और हर फीट के ट्विथ मर तो हिल्स पर रहती है तो वहाँ पे बहुत मड़ होगा और वो कभी भी क्लासरूम में आती है तो उसके जो फीट है उसके जो शूज़ है वो मड़ से भर जाते इसलिए बोला है केक ट्वित मत द अदर फ्रेंड्स डिडन्ट थिंक अबाउट द वंडा बर्थडे रिमेंबर हर बिफोर स्कूल स्टार्ट्स एंड आफ्टर फिनिश जो उसके सभी मतलब अदर फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स थे पेगी मैडलिन और सब कुछ भी पेनिंग थे उसके सिर्फ दो या तीन फ्रेंड्स थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे यहाँ पे क्या है देखो रिमेंबर हर बिफोर स्कूल स्टार्ट एंड आफ्टर फिनिश वो उसके स्कूल में कुछ भी मदद नहीं करते थे सिर्फ स्कूल स्टार्ट होने के पहले और स्कूल खत्म होने के बाद उसका मजाक उड़ाते थे, थे। इसलिए उसे रिमेम्बर करते थे उसके फ्रेंड्स बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक जोक्स ऑन हर वी ऑलरेडी सीन ऑन द नेक्स्ट डे ऑन द नेक्स्ट डे ट्यूजडेट बट नो बडी नोटिस तो मंडे को एबसेंट हुई तो ट्यूडे ट्यूसडे को भी एबसेंट हुई लेकिन किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया बट ऑन वेनसडे पिगी एंड मैडी जो उसके फ्रेंड्स है पिगी मतलब पेगी एंड मैडी वो सैट डाउन फ्रंट ऑफ गुड स्टूडेंट्स एंड नोटिस द वंडा वो जो दोनों फ्रेंड है पेगी एंड मैडी वो गुड स्टूडेंट्स के साथ बैठते थे और फ्रंट में बैठते थे मतलब पहले बेंच पे बैठते थे और पेगी जो थी वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी पूरे स्कूल में और उन्होंने तब वेनस को पेगी ने नोटिस किया वंदा को कि वो आज एबसेंट क्यों नहीं आई पेगी वॉज वेरी प्रिटी गर्ल हैव हाँ कर्ली हेयर मैनी ब्यूटिफुल ड्रेसेस एंड मैरी वॉज क्लोजेस्ट फ्रेंड पेगी जो है वो बहुत सुंदर लड़की है उसके कर्ली हेयर से और उसके पास बहुत सारे ब्यूटीफुल ड्रेसेस और शूज है और जो मैडी है वो क्लोजेट फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड है पेगी की द रीजन दैट पेगी एंड पेगी एंड मैडी रियलाइज दैट वोंडा वॉज एबसेंट दैट वोंडा मेक लेट टू देम सो पेगी और मैडी को कब नोटिस हुआ जब वंडा मेनजडे को नोटिस हुआ यू आर राइट लेकिन कैसे नोटिस हुआ कि वो दर उसका फोन मतलब फ़ोन मतलब फोन मेक करने के लिए उस उसका इंतजार करती थी लेकिन आ और हर दिन वो लेट होती थी क्योंकि वो उसका इंतज़ार करती थी लेकिन आज वो लेट नहीं हुई क्योंकि वंडा नहीं है या इससे उसे पेगी और मैरी को नोटिस हुआ कि आज वंडा उन्होंने मंडे को उसका इंतजार किया लेकिन वो आए नहीं इसलिये वो, इसलिये वो लेट हो गए यहाँ से पेगी को पता चलता है मतलब पेगी को नोटिस होता है कि आज वोंडा एबसेंट है शी a strange नेम शी मतलब वोंडा हैज स्ट्रेंज नेम सो अदर्स मेक फन ऑफ स्ट्रेंज नेम वंडा मतलब वंडा एक अजीब नाम है एक स्ट्रेंज नेम है और वहाँ पे यूएसए में कैसे नाम थे थॉमस नाम थे हील नाम थे केल्विन नाम थे ऐसे नाम थे लेकिन उसका बहुत अजीब नाम है वंडा द अदर बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस इट वॉज फनी बाउंस भी एक फनी नेम है बट नॉट लाइक पेट्रॉन्स की वॉज तो वो रा, राइटर बोलते हैं कि बाउंस भी बहुत फनी नेम है लेकिन पेट्रॉन्स की से बदा नहीं पेट्रॉन्स की बहुत फनी नेम है और इसका और इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है शी फ्रेंड्स शी ऑलवेज वोर अ ब्लू ड्रेस और ड्रेस वॉज क्लीन एंड शी कम स्कूल अ लर्न वो हमेशा ब्लू ड्रेस मतलब दर दिन वो सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती है ब्लू कलर से और इट वॉज़ वेरी क्लीन मतलब वो पहनती है वो लेकिन क्लीन पहनती है लेकिन एक ही ब्लू ड्रेस पहनती है शी कम टू स्कूल अलोन वेंट बैक स्कूल अलोन उसके फ्रेंड्स नहीं थे और वो जो दो फ्रेंड्स थे उसका फन मतलब फन उड़ाते थे मजाक उड़ाते थे इसलिए वो स्कूल अकेली जाती थी और घर अकेली जाती थी और डेली मतलब दर रोज़ सेम टाइम शी वॉच सम गर्ल्स प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड देन पेगी आस्क हाउ मेनी ड्रेसेज डू यू हैव इन क्लोज इट चलो देखो यहाँ से रियली स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी मतलब हमारी लेसन वो जो वोंडा है उसने एक दिन छोटी छोटी लड़कियाँ को हपस्कॉच हपस्कॉच इज अ गेम प्लेड बाई स्मॉल गर्ल्स इट इज अ गेम लाइक इन मराठी वी कैंड से लंगड़ी देन देगी आस्क हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैडा देखती है छोटी छोटी लड़कों को हॉप स्कॉच करते तभी तो पेगी आस्क मतलब पेगी पूछती है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है तुम्हारे क्लोजिट में तो वोंडा रिप्लाइड वा रिप्लाइड हंड्रेड तो वा क्या रिप्लाई वोंडा क्या आंसर देती है मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस है अदर गर्ड सेड विथ नॉट बिलू मतलब नो no इंटरेस्ट मतलब उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था इस मैनर में so, जो लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही थी वो भी हॉप स्कॉच बंद करके वो लिसन कर रही थी क्या रिप्लाई दे रही है वो और जो पेगी और मैडी है वो भी लिसन कर रहे थे नॉट बिल्यू मैनर मतलब उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम्हारे पास हंड्रेड केसे यू कैन सीयर इज अ पेगीज अ मैडी एंडर इज अंडा पेगी वॉट लाइक ड्रेसेस यू हैव सो पेगी को तो पता था कि इसके पास हंड्रेड ड्रेसेस नहीं है ये बार बार ब्लू ड्रेसेस ही पहनती है सो so इसलिए फन मेक करने के कर लिए मजाक उड़ाने के लिए वो फिर से एक क्वेश्चन विचारती है की वॉट लाइक ड्रेसेस यू हैव देन वोंडा रिप्लाइड ऑल कलर्स ऑफ ऑल वेलवेट मतलब बोलती है कि मेरे, मेरे मेरे पास हर एक कपड़े के मतलब सिल्क के वोलन के सब कपड़े के सब कलर्स के है ड्रेसेस है वो भी हंड्रेड एंड आई आल्सो हैव सिक्सटी डिफरेंट पेयर शूज और वंडा और एक रिप्लाई देती है कि मेरे पास सिक्सटी पेयर्स है शूज के वो भी अलग अलग कलर के अदर गर्ल्स लाफ ऑन फन ऑफ वा बिकॉज दी इज लायर सो सभी फ्रेंड्स को पता था पेगी को पता था मैडी को पता था कि वो झूठ बोल रही है सो so, झूठ बोलने के कारण वो दोनों उसका बना रहे थे और उसके उसकी ओर हंस रहे थे हंस रहे थे क्योंकि वो झूठ बोल रही है इसलिए आफ्टर सी वेंट हिचिंग पेगी वॉज नॉट रियली cruel. आफ्टर मतलब जब उसके हा हंसने के बाद वा को बुरा लगा और वो हिचिंग मतलब शोल्जर्स अप करके वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ी was not really cruel. She protects small children from bullies and cried for her if she saw सो animal mistreated. सो so यहाँ पे जो पेगी है वो इतनी बुरी नहीं है Writer ने बोला है कि वो छोटे बच्चों से बुलिस से बच बचाते हैं मतलब जो बुलिस है हाई क्लास के लोग हैं वो छोटे बच्चे को अपनी ताकत दिखाकर रो रो रोने को लाते हैं चिल्ड्रन को वो जो पेगी है चिल्ड्रन को बचाती है स्मॉल चिल्ड्रन को बुलिस से और वो बहुत रोती है जब वो किसी एनिमल को मिस मतलब कोई लोग एनिमल को मिसट्रिएट करें तब Peggy was not cruel, but she only joke on Wanda for two reasons. Peggy cruel नहीं है लेकिन वो Wanda का मजाक मजाक है वो है two reasons पर वो वंडा का मजाक उड़ाती है That she lives about hundred hundred dresses and she didn't have ordinary name like us. Peggy क्यों मजाक उड़ाती है उसका क्योंकि उसने झूठ बोला कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस है और उसने यही बोला कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से मिलता नहीं है मतलब तुम्हारा नाम बहुत अजीब है बहुत स्ट्रेंज है ये दो रीजन से पेगी वोंडा का हमेशा मजाक उड़ाती है बट पेगी नेवर क्राइड वोंडा मतलब इतना मजाक उड़ाती है लेकिन पेगी ने कभी भी वोंडा को रोने के लिए नहीं ला मतलब उसने वोंडा को कभी रुलाया नहीं मैरी ऑल्सो अ पुअर गर्ल couldn't have many clothes so the clothes who had द to her she didn't live in बोग मतलब मैडी जो है Peggy की best friend वो भी poor girl है और उसके पास क्लोथ्स नहीं है वो जो दूसरों के कपड़े हैं उन्हें हैंड ओवन मतलब उन्हें फिर से सिलाकर पहनती है एंड शी live लिव इन बॉग and साइड एंड ऑल्सो नाट हैनी वो थैंक मतलब गॉड को थैंक्स बोलती है कि मैं पुअर हूँ लेकिन मेरा वोंडा जैसा नाम गलत नहीं है और मैं बॉगिंग साइट में नहीं रहती मेरे शूज़ जो है वो मर्द से केक पर नहीं होते सो ये मैडी बोलती है कि मैं सिर्फ पुअर हूँ मैडी नॉट लाइक टू टीज वोंडा मतलब मैडी को पसंद नहीं है वोंडा को टीज वोंडा को फोन बनाने के लिए क्यों नहीं पसंद देते शी ऑल्सो वेरी पुअर मैरी भी पुअर है वोंन्डा भी पुअर है इसलिए दोनों को मजाक उड़ाना नहीं पसंद था और मैडी को भी वोंडा पर मजाक उड़ाना नहीं पसंद था मैडी समटाइम्स स्टॉप्स पेगी स्टॉप्स टीज वोंडा बिकॉज शी ऑल्सो पुअर बट पुअर एज वोंडा मतलब मैडी जो है वह बहुत गरीब है लेकिन इतनी भी गरीब नहीं जितनी वोंडा है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड पेगी को कभी कभी बोलती है कि तुम थोड़ा सा टीज करना बंद कर दो नाविन क्लासरूम फिर से क्लासरूम की स्टोरी आती है नाविन क्लासरूम शी फील्स हैप्पी डैट वोंडा वॉज एब्सेंट एंड स्टार्टेड सॉल्विंग एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट माइंडेड मतलब उसे खुशी होती कि खास आज वोंडा एबसेंट है तो पेगी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगी

तो वो मुझ पर टीज मतलब मुझ पर स्टार्ट करेंगे टीज करने के लिए इसलिए जो मैडी है वो चुपचाप बैठती थी एंड शी ऑल्सो टेकन द ओल्ड ड्रेस ऑफ पेगी एंड हर मदर कलर इट डिफरेंट एंड ऑल्सो थिंक डैट वन टाइम पेगी वुड बोर्ड एंड स्टॉप टीजिंग वंडा और उसका वो भी डर था अगर मैं उसको बोलूँ कि टीज करना बंद कर दो तो वो पूरे क्लास को सच्चाई बोल देंगी कि पेगी की जो ओल्ड ड्रेस है वो उसके माँ ने कलर करके मैडी को दी है तो ये भी उसका फियर था और वन टाइम पेगी वुड बोर एंड स्टॉप टीजिंग गुंडा मैडी जो है थिंक करती है मतलब मैडी के माइंड में जो सोचती है वो सोचती है कि पेगी एक दिन बोर होकर गुंडा को फन बनाना मतलब गोंडा को टीजिंग स्टॉप कर देगी सडनली शी रैन हर हैंड गो हर ब्लाउंड हेयर एंड रिमूव ऑल थाट्स वॉट गेट्स चेंज्ड जो मैडी है उसे लगता है कि मैं क्यों सोच रही हूँ मेरा कहा जाता वंडा को तो जाता सो so वो जो अपनी हैंड है वो ब्लॉन्ड हेयर ब्लॉन्ड हेयर मतलब गोल्डन हेयर वहाँ पे जाके हेयर को सब डिसमिस कर देती है और अपने जो थाट्स है वो निकाल देती है अपने माइंड से जो वंडा के जो मैडिको थॉट्स आ रहे थे वो सब निकाल देती है मैडी रिमेंबर वंडा दैट शी वन टाइम शी सेड वन ऑफ अर ड्रेस विथ पेल ब्लू एंड कलर ट्रिमिंग एंड वन अदर विथ ब्रिलियंट ग्रीन रेड फैश सो मैडी एक दिन पेगी को बताती है कि मैंने एक दिन वोंडा को बात करते सुना था कि वो बोल रही थी कि उसने एक ड्रेस बनाई है जो ब्लू कलर की है और उस पर कलरिंग ट्रिमिंग्स लगा है और अनदर ड्रेस जो ब्रिलियंट ग्रीन मतलब ब्राइट ग्रीन है और उस पर रेड सैश मतलब रेड कलर के बॉल्स लगा है सो so ऐसा पेगी को बोलती है यू कैन सी लाइक दिस ड्रेसेस

वो कंपटीशन में बॉयज़ को मोटरबोट्स बना था बनाना था और गर्ल्स को ड्रेसेस मैडी वॉज कन्फर्म डैट पेगी वॉज वेरी गुड डिजाइनर सो शी विल विन मैडी कहती है कि पेगी का बहुत अच्छा डिजाइन है उसे डिज़ाइन बहुत आता है और मुझे कन्फर्म है कि पेगी जीतेगी देन द नेक्स्ट डे इट वॉज अ ड्रिजलिंग वेटेड फॉर वंडर दे टू स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रीट मतलब उसके अल, अगले दिन थर्सडे को बारिश थी ड्रिजलिंग मतलब रेन हेवी रेन थी सो so इसलिए मैडी और पेगी ने वोंडा को वेट नहीं किया वो ऑलिवर स्ट्रीट पर जाने से पहले वो स्कूल पर गई मतलब ऑलिवर स्ट्रीट जो बॉगिन साइट है वहाँ के ऑलिवर स्ट्रीट वहाँ पे जाने से अच्छा वो स्कूल में चली गई क्योंकि वहाँ आज वो कंपटीशन का रिजल्ट्स लगने वाला था डिस्कस डैट मिस्टर मैसन अनाउंस रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन अभी बता दे great sheets ऑफ wrapping पेपर सो so, वो जब मैडी और पेगी क्लासरूम में एंटर करते थे तो उन्होंने देखा कि वो जो हंड्रेड ड्राॅइंग्स थे हंड्रेड ड्राॅइंग्स उसके dazzling कलर्स थे मतलब ब्राइट कलर्स थे lavish डिजाइन थे और वो जो थे ग्रेड शीट्स पर रैपिंग पेपर के ग्रेड शीट्स पर बनाए थे मिस्टर मैसन अनाउंस द विनर्स इन बॉयज इट वॉज बेगल्स हु मेक्स अ आउटबोर्ड बोट एंड गर्ल्स मोस्टली ऑल गर्ल्स ड्रिव वन और टू डिजाइंस बट वंडर हंड्रेड ब्यूटिफुल डिफरेंट डिजाइंस तो बॉयज में मिस्टर मतलब मिसेस मैसन बोलती है कि बॉयज में बेगल्स जिताए क्योंकि उसने आउटबोर्ड बोर्ड बनाई है और गर्ल्स सभी गर्ल्स ने वन और टू डिजाइन बनाई है लेकिन वोंडा पेट्रॉन्स की नाम की लड़की ने हंड्रेड ब्यूटीफुल डिफरेंट डिजाइन ड्रेसेस बनाए है सो so वो जो वोंडा है वो प्राइज विन करती है मतलब कंपटीशन वो जीत जाती है प्राइज बट शी वॉज एबसेंट सो मिसेस मैसो सेलिब्रेटिंग टुमारो जो वोंडा थी वो एबसेंट थी उस दिन सो इसलिए मिसेस मैसन बोले कि टुमारो मतलब अगले दिन जब वोंडा आएगी उसे हम प्राइज दे देंगे मैडी सेड लुक पेगी डैट टू ड्रेसेस ब्लू एंड ग्रीन डैट आई टोल्ड इट वॉज़ ब्यूटिफुल पेगी सेड यस सो मैडी बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ब्लू ड्रेस और ग्रीन ड्रेस के बारे में ये देखो वो दो ड्रेस है जो वोंडा ने बनाई है पेगी बोला या ऑल द क्लास क्लैप्ड इवन बॉयज़ ऑल्सो क्लैप टू हर हंड्रेड ड्रेसेस सो पूरा क्लास इवन बॉयज़ ऑल्सो बॉयज को इंटरेस्ट नहीं है इसलिए लेकिन वो भी पूरा क्लास जो है वो हंड्रेड ड्रेसेस पर तालिया बजा रहा था थैंक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब ये हंड्रेड ड्रेसेस वन है तो हंड्रेड ड्रेसेस टू मतलब चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स में हम देखने वाले है कि मैडी और पेगी क्या करते हैं उसके बाद और वंडा स्कूल आती है या नहीं सिक्स चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोज लाइक एंड सब्सक्राइब बाय बाय